के रामदेवरा लोहार की फील्ड फायरिंग रेंज तथा आसपास के क्षेत्रों में पिछले दिनों दिखे टिड्डी दलों तथा उसके प्रसार की संभावना को रोकते हुए खुले क्षेत्रों में किए गए कीटनाशक स्प्रे से क्षेत्र में विचरण करने वाले राजस्थान के दुर्लभ और अति संकटग्रस्त राज्य पक्षी गोदावन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ये टिड्डियों गोदावन के मुख्य आहार का हिस्सा होती है और इस प्रकार जहर युक्त टिड्डी खाने से क्षेत्र में विचरण कर रहे गोदावन पर भी संकट मंडराने लगा है। ज्ञात रहे कि कुछ दशकों से भारत सरकार और राज्य सरकार करोड़ों रुपए की महत्वाकांक्षी गोदावन संरक्षण योजनाएं भी चला रही है और वर्तमान में एक कैप्टिव ब्रीडिंग और अंडा संरक्षण केंद्र रामदेवरा के पास बनाया जा रहा है। अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा के तहसील संयोजक राधेश्याम विश्नोई के नेतृत्व में जिले के पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ताओं सुमित बल्ला ने श्याम कड़वासरा पार्थ जगानी संजय व्यास अमिताभ बलोच के द्वारा इस परियोजना को ध्यान में रखते हुए टिड्डी दल नियंत्रण हेतु कीटनाशक स्प्रे में सावधानी सुनिश्चित करने और प्रारंभिक स्तर पर अन्य प्रकार के जैविक व यांत्रिक विधियों को इस्तेमाल करने के लिए ज्ञापन दिया गया। रासायनिक कीटनाशकों से मरे हुए टिड्डी को अगर गोडाउन ने खा लिया तो गोडाउन की मौत निश्चित हो जाएगी। मेरा ये सुझाव है कि यांत्रिक तरीकों से टिड्डी को नियंत्रित किया जाए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोडाउन संरक्षण के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके अंदर योगदान किया जाए। भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद में अपने